हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया था कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा, इसको पहचानना आप अच्छी तरीके से सीख गए थे। आज के वीडियो लेक्चर में उसको ड्रॉ कैसे करेंगे उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ, वो भी सिंपल मेरे ट्रिक से। तो देखिए, रज्जों को आप ड्रॉ कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल पॉइंट है। पॉइंट नंबर वन कि जिस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, या वो कार्बन जनरली जो रेजोनेंस होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराते हैं, राइट, तो कार्बन ही होता है 99%। ज़रूरी नहीं है कोई अदर एलिमेंट भी हो तो भी चलेगा। तो जिस एलिमेंट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्री रेडिकल होगा, लोन पेयर होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, जिस कार्बन पे या जिस एलिमेंट पे, उसके बाद सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड आना चाहिए। तो मैंने नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, ये नंबरिंग हो गया। तो देखो, जिस कार्बन या जिस एलिमेंट पे, उसको मैं नंबर वन कर दिया, पॉजिटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, लोन पेयर हो, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसको वन कर देंगे। उसके बाद अगले वाले एलिमेंट को 2, उसके अगले एलिमेंट को 3, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या चेंज हो रहा है वो ध्यान से देखो। कभी भी रेजोनेंस को डबल एरो से दिखाएंगे। चेंजेज क्या होगा कि ये जो चीज़ें जिसको बर्डन बोले थे, राइट, दुख तकलीफ, वो वन से उठ करके थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी। ध्यान से देखो, वो सब चीज़ें वन से उठ करके थर्ड पोजीशन पे आपकी आ चुकी हैं। एंड जो आपका पाई बॉन्ड है, जो 2, 3 के बीच था, वो शिफ्ट होकर के 1, 2 के बीच आ चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में क्या चेंज हुआ ध्यान से देखो। ओनली पाई बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हुई है, या फिर जो आपका बर्डन है उसका पोजीशन शिफ्ट हुआ है। एटम शिफ्ट नहीं हुए हैं, ना ही सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसलिए पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मैंने इसलिए मैं हिंदी में लिखा हूँ, कभी भी रज्जों में एटम या फिर सिग्मा बॉन्ड, एटम और सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा। कभी भी रज्जों में आप एटम या सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे उसका लाइव एग्जांपल देख सकते हो। हमने शिफ्ट किसको किया है, पाई बॉन्ड को ओनली, एंड जो बर्डन है उसको। और करना क्या है, जो बर्डन जहाँ पे है उसके बाद वाले एलिमेंट को छोड़ करके उसके बाद वाले एलिमेंट पे, मतलब अल्टरनेट एलिमेंट पे डाल देना आपको, और पाई बॉन्ड को स्लाइटली शिफ्ट कर देना। अगर वो 2, 3 के बीच था तो कहाँ पे आ गया, 1 पे। उसी पॉइंट को हमने पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि जो आपका बर्डन है, जो बर्डन है वो 1 से कहाँ आ जाएगा, 3 पे। ध्यान से देखो, 1 से कहाँ पे आ गया, 3 पे, कार्बन नंबर 1 से 3 पे आ जाएगा जो बर्डन है। और जो आपका पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो क्या होगा, जिन दो कार्बन के बीच था पहले, 2, 3 के बीच था, 2, 3 के, वो कहाँ पे आ जाएगा, 1, 2 के बीच में आ जाएगा। इंटरचेंज हो गया एक तरीके से। ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये चीज़ें यहाँ आ गई, इंटरचेंज टाइप, बहुत ईजी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर इस टाइप का कंजुगेशन हो, पॉइंट नंबर 3 कि डबल सिंगल डबल टाइप का हो, तो आपको क्या करना है, एक वेव की तरह शिफ्ट करते जाना है। इसलिए मैंने एरो से दिखाया, ये दोनों पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मैंने उठा करके यहाँ पटक दिया, और ये दोनों को उठा करके मैंने यहाँ इस कार्बन पे पटक दिया। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, जहाँ से ये उठेगा वहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, राइट, तो इसलिए वहाँ पे आ जाएगा प्लस। उठ कर करके यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया आपका, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये उठ करके इस कार्बन पे पटक दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ से भी कि अगर आदमी स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है, तो जहाँ से उठा वो वहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, जहाँ पे गया वहाँ पे भरा, और वो आदमी जहाँ से उठा वो अदर जगह वहाँ पे जगह को भर दिया, तो वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे है। एंड लास्ट पॉइंट जो कि अगेन मैंने हिंदी में लिखा है कि जितने पार्ट में आप रेजोनेंस करा रहे हो एट ए टाइम, आपको एक इस टाइप का सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम मिलेगा। तो इतने पार्ट में अगर रेजोनेंस करा रहो, तो अगर इस मॉलिक्यूल में और भी पार्ट है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देना, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जितने पार्ट में रज्जो करा रहे हो उसमें ही चेंज होगा, बाकी जैसा का तैसा रहेगा। तो ये मेरे पॉइंट हो गए जिसको मैं अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में यूज करूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आपका कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड है। ध्यान से देखो कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल डबल,
उसके बाद फिर आगे भी रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल, तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन। जो आपको मैंने 5 पॉइंट दिए थे, अगर वो सीक्वेंस चल रहा है तो वो रेजोनेंस हो रहा है, राइट। जैसे देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेजोनेंस होगा। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वेरी सिंपल, हमने आपको क्या बोला था, जिस पे पॉजिटिव है 1, 2, 3, अभी इतने ही पार्ट को अफेक्ट करना है, बाकी को वैसे ही रहने देना है। तो पहले डबल एरो दिखाया, पहले आप सारे सिग्मा वाले बना लो, राइट। तो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो मैंने पहले बना दिया। सिग्मा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एटम में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव या डबल जो बॉन्ड है वही इंटरचेंज होंगे। अब क्या हुआ, ये आपका जो कार्बन नंबर 1 था, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ 1, 2, 3, इतना ही मैं चेंज कराना है। तो 1 वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा आपका, 3 पे, और ये जो 2, 3 के बीच का डबल बॉन्ड था वो कहाँ पे आ जाएगा, 1, 2 के बीच, ये चेंज हो गए। बाकी को चेंज नहीं करना है क्योंकि ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ध्यान से देखो, समझ गए। अब आगे क्या होगा, तो आगे फिर से रेजोनेंस हो सकता है, राइट। कैसे, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो फिर इसको लेके जाना है। तो अगेन आप चेंज किस में कर रहे हो, उसको मैं अलग नंबर से लिख रहा हूँ, ए बी सी से इसमें चेंजेस करने जा रहे हैं, तो बाकी चीज़ को वैसे ही रखना है। तो पहले आप ड्रॉ कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो पहले जैसा था वैसे ही रहने दो। यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड था ही, राइट, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड को रहने दो। चेंज किया हुआ है, इसको मैं नंबर कर दे रहा हूँ ए बी सी। ए बी सी में क्या चेंज हुआ है कि ए का पॉजिटिव चार्ज अब सी पे चला जाएगा और बी सी के बीच का डबल बॉन्ड ए बी के बीच आ जाएगा, तो ये ड्रॉ हो गया। क्योंकि अब इस चीज़ को ये डबल एरो क्यों दिखाया, क्योंकि इसको अगर मैं बैक करूँगा तो ये बन जाएगा, और इसको अगर बैक करूँगा तो ये बन जाएगा। ये सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, तो इसके 3 RS हो गए, राइट। जो आपने गिवन है क्वेश्चन में वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और बाकी दो जो हमने बनाया, तो ये 3 RS बने। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, क्यों, क्योंकि आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज क्या है, बर्डन, तो जितने लोग इसको शेयर करेंगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर फीलिंग आ रही होगी आपको, आप इस बात को समझोगे क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कार्बन नंबर 2 पे था, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो वो 3 पे भी, 2 पे जो था उसको नंबरिंग करके समझाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो 2 पे था वो 4 पे भी जा सकता है और 6 पे भी जा सकता है। तो एक तरह से बर्डन क्या हो गया, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसलिए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए हम 2 की बात करते हैं, तो 2 में ध्यान से देखो तो डबल सिंगल डबल ये भी रेजोनेंस में है, लेकिन मेनली हम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, इन सब को बर्डन मान रहे हैं, राइट, और ये सब को हमें डिलोकलाइज करना है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर आपका क्या होगा, अगर इस टाइप से देखा है तो ये लोन पेयर उठ करके अगर यहाँ पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड उठ कर करके आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो वही सेम पॉइंट है, 1, 2, 3 जो चेंज करना है वो 1, 2, 3 में करना आपको, बाकी चीज़ को वैसे ही ड्रॉ कर देना है। तो पहले सारे देखो मैंने सिग्मा स्केलेटन बना दिया, पहले सारे सिग्मा को ड्रॉ कर दिया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एटम में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये अब चेंजेज कहाँ से कहाँ तक मोड़े, तो वो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक मोड़ा है, तो बाकी चीज़ को वैसे ही दिखा दो। तो इधर कुछ नहीं किया हमने, इधर कुछ नहीं किया हमने, चेंजेज क्या हुआ, इसका लोन पेयर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड बना दिया, और ये जो 2 पाई बॉन्ड थे ये वाले, ये उठ करके यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए तो क्या हो गया, नेगेटिव, और ये इसने दे दिया तो इसका क्या हो गया, डोनर एटम पॉजिटिव। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही समझ सकते हो, पहले ये मॉलिक्यूल आपका कैसा था, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो उस अगर ये न्यूट्रल है तो इसका जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे सब ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो इससे भी आप पहचान सकते हो, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजोनेंस में कि आपका पहला जो गिवन कंपाउंड है उस पर जैसा चार्ज होगा वही थ्रू आउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप ध्यान से देखो फिर से रेजोनेंस की कंडीशन बन गई, कैसे, नेगेटिव सिंगल डबल, तो आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव को यहाँ पटक देंगे और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पटक देना है। तो ध्यान से देखो चेंजेज फिर कहाँ से कहाँ तक में होगा, यही 3 कार्बन में, राइट। तो बाकी चीज़ को वैसे ही रहने देना है। तो ध्यान से देखो पहले मैं क्या किया, पूरा सिग्मा स्केलेटन बना दिया, ध्यान से देखो
नाइट्रोजन H2। हमारा जो अफेक्टेड वाला पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला, ये राइट। तो इधर कुछ नहीं किया तो वैसे ही रहने देता हूँ, इधर कुछ नहीं किया वैसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पे प्लस था क्योंकि नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाया राइट, तो वैसा ही छोड़ दिया। इतना पार्ट में हो रहा है, तो इतने पार्ट में हो रहा है तो क्या हो गया कि यहाँ पे आप पाई बॉन्ड आ गया राइट, और ये वाला पाई बॉन्ड उठ कर करके आपका यहाँ पे आ चुका है, तो ये बन गया इसका आरएस। फिर जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, ऑलवेज जो आगे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो अपने जस्ट पीछे वाले से, अब उधर क्या हुआ उसको भूल जाना है राइट। फिर से क्या होने वाला है, अब ध्यान से देखो, तो फिर से ये नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये यहाँ पे उठ करके आएगा, यहाँ पटक देना है और इसको यहाँ पटक दो। तो अगेन जो अफेक्टेड पार्ट है उसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, जो अफेक्टेड है बस उसमें ही चेंज करना, बाकी को वैसे ही रह देना है। तो देखो बाकी मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले सारे सिग्मा बॉन्ड को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सबसे बेस्ट वे है ड्रॉइंग का, पहले सारे सिग्मा को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद चेंजेज कहाँ से कहाँ तक में उसको मैंने रेड कलर से दिखाया यहाँ तक में, तो बाकी जो चीज़ जैसे है वैसे ही रहने दो, उसमें छेड़छाड़ नहीं करो। आपका जो चेंजेज वाला पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो गया कि यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास। फिर से रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, कैसे देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, तो अगेन क्या करना है इसको उठा करके यहाँ पटक देना और इसको उठा कर करके यहाँ पटक देना, तो इसको मैं बना लेता हूँ अब। तो पहले मैं क्या करूँगा, सारे सिग्मा स्केलेटन से ड्रॉ कर दूंगा राइट, ये सिग्मा वाले हमने बना दिया। अब ध्यान से देखो तो अफेक्टेड पार्ट आपका कौन सा है, डॉटर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसीलिए बाकी चीज़ में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो ये यहाँ था वैसे ही कर दिया, ये जहाँ था वैसे, इतना पार्ट में अफेक्टेड हुआ है। और कैसे हुआ है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आपका आ चुका है राइट, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के तो यहाँ पे आपका लोन पेयर आ चुका है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आप देख सकते हो थ्रू आउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके जितने भी आर एस हमने बनाए, चूँकि पहले आपका ये एनिलीन एक न्यूट्रल कंपाउंड था, तो ओवरऑल सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ फिर से न्यूट्रल। तो कभी कभी हम ऐसे ही पहचान सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं। यहाँ से एक और पॉइंट जो आगे मैं बात भी करने वाला हूँ कि देखो ये लोन पेयर की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आए हैं वो कहाँ कहाँ पे आया है, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं इसको, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पाया, ध्यान से देखो, ऑर्थो पोजीशन पाया नेगेटिव, पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया, इसलिए जो पॉजिटिवली चार्ज अटैक करेगा तो वो कहाँ पे करेगा ऐसे कंडीशन में, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया हमने, ये वाला आप ध्यान से देखो, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सिंगल, ये डबल रेजोनेंस में, फिर डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में, फिर डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में राइट। तो ये पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। तो ध्यान से देखो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पटक देना और इसको यहाँ पे आपको रख देना है, तो बस इतना में चेंजेज है, बाकी को आपको वैसे ही ड्रॉ कर लेना है राइट। तो सिग्मा स्केलेटन ड्रॉ कर लो, बाकी जो चीज़ जैसे जहाँ दिख रही है वैसे ही रहने दो, और इसका सिग्मा यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ वाला जो नेगेटिव चार्ज था वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया राइट। इसके आगे अब नेक्स्ट अगर हमें बनाना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पटकना पड़ेगा और ये यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ कि आपका यही तीन कार्बन का सिस्टम है, यही अफेक्टेड होगा राइट। तो इसको अफेक्ट करना है तो बाकी चीज़ को वैसे ही रहने देनी है, तो बाकी चीज़ को पहले आप ड्रॉ कर लो, ये यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, और यहाँ पे ये था, क्या हुआ अब ध्यान से देखो, तो ये वाले पे पाई बॉन्ड बन गया और ये वाले पे आपका नेगेटिव आ जाएगा। फिर आगे अगर ड्रॉ करना हो तो देखो ये नेगेटिव को यहाँ रख दो और ये डबल बॉन्ड को उठा करके यहाँ पटक दो, तो आप क्या करेंगे, तो सेम सिग्मा स्केलेटन पहले आप इसका बना लो राइट। अब इधर में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, चेंजेज कहाँ पे कि यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा और ये पहले से वैसा ही था। जहाँ तक आप रेजोनेंस करा रहे हो बस उसमें ही अफेक्ट करना है, बाकी को वैसे ही रह देना है। और फिर ये क्या होगा, इस नेगेटिव को यहाँ मैं पटक सकता हूँ और इसको यहाँ राइट,
तो इसका आरएस अगर बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ये सिग्मा स्केलेटन पहले बना दो, यहाँ डबल था रहने दो, यहाँ डबल था रहने दो, उसके बाद क्या हुआ ध्यान से देखो, यहाँ पहले से डबल था, अब इतना पार्ट में चेंज हुआ है तो यहाँ डबल आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इस डबल को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ और ये नेगेटिव चार्ज, फिर से क्या होगा, फिर से रेजोनेंस होगा, राइट। ये यहाँ पे पटक सकता हूँ और ये यहाँ पे पटक सकते हैं, और सिमिलरली जब यहाँ पे आएगा तो फिर से रेजोनेंस होगा, ये यहाँ पे पटक सकता है और ये यहाँ पे। तो आगे मैं नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है राइट, आप देख सकते हो ये बेंजल डिहाइड हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, डबल सिंगल डबल, तो कुछ लोग इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे और इस पाई बॉन्ड को इधर, एक ये है राइट। तो एक मैं इस टाइप का बना रहा हूँ आपका, तो देखो ध्यान से देखो, बाकी चीज़ों को आपको वैसे ही रहने देना राइट। पहले सिग्मा स्केलेटन बना दिया राइट, यहाँ पे सी था आपका, हेच, जो भी सिग्मा वाले हैं सबको रहने देना राइट, और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड था। उसके बाद चेंजेज क्या हुआ है, तो ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे है, यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है उठ करके वो यहाँ पे आ गया राइट, और इस ऑक्सीजन पे क्या जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव, एक ये कंडीशन है। दूसरा क्या हो सकता था, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं सर उल्टा कराओ आप ये पाई बॉन्ड देखो, ये पाई बॉन्ड को इधर लेके आओ और इसको यहाँ लेके आओ। तो अगर ऐसा कराते तो क्या होता, ध्यान से देखो, अगर आप ऐसा कराते तो सिग्मा स्केलेटन बना दो, सी एच डबल बॉन्ड ओ की जगह भी सिग्मा वाले सिंगल बॉन्ड हमने ड्रॉ कर दिया, बाकी पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब ध्यान से देखो कि इन दोनों में कौन बेटर है, तो बेटर कौन होगा, तो ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, तो इसलिए ये लेस स्टेबल है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे। वैसे ही दूसरा पॉइंट ऐसे भी लगा सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है, तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है जो कि करेक्ट है, जबकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है जो इनकरेक्ट है। तो इसलिए हमारा जो सही पार्ट रहेगा वो ये रहेगा और रॉन्ग पार्ट ये रहेंगे। ऑलवेज ऐसे कंडीशन में आपको उस तरफ रेजोनेंस कराना है जिस तरफ जाने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आए। उसका फर्दर हम आगे ड्रॉ कर सकते हैं राइट। अब आपका ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन विथ, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ पटक देना है, बाकी चीज़ को वैसे ही रहने देना है राइट। तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, तो आपका ये सी ओ पे माइनस ये एच, यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे पहले से था, चेंजेज इतने में हुए, पाई बॉन्ड आपका यहाँ गया, पॉजिटिव आपका यहाँ गया। फिर फर्दर आप ये पॉजिटिव को उठा के यहाँ पटको और ये डबल बॉन्ड को यहाँ, तो जितने में चेंज हो रहा है उतने ही को ड्रॉ करना है राइट, बाकी को वैसे ही रहने देना है। तो ये देखो बाकी को मैंने वैसे ही रहने दिया, ध्यान से देखो इधर में आप चेंजेस नहीं करना है, ऑलवेज प्रीवियस स्ट्रक्चर से बनाना है, और यहाँ से यहाँ तक में चेंज है, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ वाला यहाँ गया और पॉजिटिव उठ करके यहाँ पे आ गया। फिर से फर्दर हो सकता राइट, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाए और ये यहाँ चला जाए, तो आप ध्यान से देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे सिग्मा वाले को ड्रॉ कर लेना राइट। इस पाई बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं होगा, चेंजेस क्या हुआ, ये पॉजिटिव यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड उठ कर करके आपका कहाँ पे चला आएगा, इस कार्बन पे, इस पे पहले से नेगेटिव था तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो। और उसके बाद ध्यान से देखो तो पॉजिटिव सिंगल और ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएंगे, तो एक और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं करना है, जैसे सिग्मा वाले जैसे बने हुए वैसे, ये पाई बॉन्ड यहाँ था राइट, तो इस पाई बॉन्ड को आप यहीं पे रखिए, ये यहीं पे था, ये यहाँ पे था, चेंजेज क्या हुआ है वो ध्यान से देखो कि ये जो आपका ऑक्सीजन वाला यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बन गया और चार्ज बैलेंस हो चुका है। तो ध्यान से देखो कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड को मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, एटम को शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ
जो पाई बॉन्ड है या फिर जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है उसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अब ये सब क्या हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन सब को मिला करके डैट मीन्स इनको 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 इन सब के कंट्रीब्यूशन से एक स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि ये जितना भी हमने बनाया ये सब क्या हाइपोथेटिकल है। ध्यान दें कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रिंग में पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। तो कोई आपसे पूछ सकता है कितने इसके आरएस बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो डैट मीन्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा ये। अब ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सब हाइपोथेटिकल है, ये हमने एज्यूम करके बनाया, लेकिन एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट होता है तो आपको बताया था रेजोनेंस हाइब्रिड। और वो कैसे बनाएंगे, तो वो एक ही बनाएंगे राइट। पहले सारे सिग्मा को मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ आपको, सिग्मा सारा ड्रॉ करके हमने बता दिया। पहले ये सिग्मा स्केलेटन बना लेना, उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि वो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है। तो देखो पाई बॉन्ड हर जगह पे, पहले यहाँ पे पाई बॉन्ड था तो पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे था, क्या यहाँ पे था किसी स्ट्रक्चर में, यस यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड था, तो ऐसे क्या यहाँ पे था, तो यस पहले वाले स्ट्रक्चर में था, तो आपको यहाँ पे भी दिखाना है कि पाई बॉन्ड यहाँ पे भी था। क्या यहाँ पे कभी आया, यस यहाँ दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ जा सकता है। क्या यहाँ पे कभी था, यस पहले वाले में था राइट, तो यहाँ पे भी दिखाना है। क्या यहाँ पे था इस जगह पे कहीं पे, यस इस वाले में राइट, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड था। क्या यहाँ पे था, तो यहाँ पे राइट दिख रहा है, तो यहाँ पे। क्या यहाँ पे कभी था, यस था कभी, यस यहाँ पे राइट, तो ये आ गया। तो ये इस तरीके से आपको बनाना है राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड, यही आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। इससे सब कुछ पता लगता है कि ये मॉलिक्यूल के बारे में, इसलिए ये रियल है, ये सब क्या है हाइपोथेटिकल है ओके। और कैसे बनाया, तो पूरा सिग्मा को आप ड्रॉ कर दो, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, और उसके बाद आप सारे स्ट्रक्चर को देखो कि आपका पाई बॉन्ड या चार्ज किस तरीके से कहाँ कहाँ पे था, जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे पार्शियल ड्रॉ करते हुए चला जाना है ओके। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर से आपको ड्रॉ करने की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे भी इम्पोर्टेंट, डैट इज अब इसके एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।